अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर जिस टॉपिक पे है वो बेसिकली एक्टिविटी है। ठीक है, टेस्ट यूरसेल्फ 1.4। ठीक है, बुक पे देख लीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन है जो है ना, जो हमने जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं उसी में से क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्टिविटी में से बेसिकली जो है ना वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा है, केमिकल फार्मूला की एक टाइप है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला जिसके अंदर जस्ट हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड के अंदर रेशियो बताते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि सिंपलेस्ट रेशियो है हमारे पास, एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो है किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर। एक कंपाउंड का ही फार्मूला होता है ना। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की सिंपलेस्ट रेशियो को हम क्या मतलब क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये सिंपल ही है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का देखिए तो CH है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का देखिए तो वो क्या है, CH2 है। इसको हम जो है ना बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप मजीद इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं, मजीद इसको समझना चाहते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर जो इस पे है वो जरा देख लीजिए। अगेन, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर क्या है कि हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, हम रेशियो नहीं बताते, क्या करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर शामिल होते हैं वो हम बेसिकली बताते हैं इसके अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule of red compound. For example, the molecular formula of benzene is C6H6. अब इसमें क्या है कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, टोटल जितने भी एटम है इसके अंदर बेंजीन के अंदर, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है C6H6। लेकिन क्या है कि यहाँ पे CH है, एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का, तो क्या है कि जस्ट रेशियो शो कर रहे हैं कार्बन टू हाइड्रोजन 1:1 रेशियो। एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, जो कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O 1:2:1। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला अगेन वही डेफिनेशन है, ये कर लें, ये थोड़ी सी बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि छोटी सी है, आसान सी है, और ये थोड़ी सी जो है ना बड़ी है, तो कोई भी कर लें आप। ठीक है, गलत नहीं है दोनों में से कोई भी। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो वही बात है। अभी चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH एंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला एज फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्टिविटी देखें बुक के ऊपर, वहां पे हमें जो है ना वो 5-6 कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक है, जहां पे मैंने मेंशन नहीं की क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। ठीक है ना, ये जो कंपाउंड लिखे हैं, जो दिए गए हैं, इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। ठीक है ना, तो वो दूसरा साथ में फार्मूला यूनिट कौन सा है। फार्मूला यूनिट आपको पता है ना कि आयनिक कंपाउंड का लिखते हैं हम। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कोवेलेंट कंपाउंड का लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आगे मीथेन गैस है, ठीक है, आगे C6H12O6 ग्लूकोज है, और आगे C12H22O11। ठीक है, ये हमारे पास चार जो है ये कंपाउंड कौन से हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो कर रहे हैं ये। आगे हमारे पास जो फार्मूला यूनिट है उसमें आयनिक कंपाउंड है, दो आयनिक कंपाउंड कौन कौन से, एक बेरियम कार्बोनेट है और दूसरा पोटाशियम ब्रोमाइड है, KBr और BaCO3। अब देखें तो कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, -2, तो बेरियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +2। ठीक है, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। KBr में क्या है, KBr में जो है ना वो -1 है ब्रोमाइड के ऊपर और +1 है पोटाशियम के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह ही क्या है कि इनकी ये जो है ना ये आयनिक कंपाउंड है, इनके ऊपर क्या है, चार्जेस है, तो चार्जेस चूंकि बैलेंस है तो हम इनको शो नहीं करते। अगर आप शो करवाना चाहते हैं पेपर के अंदर तो बेशक करवा दीजिए, आयनिक कंपाउंड के ऊपर जहां पर भी पेपर में कहीं पे आयनिक कंपाउंड आप लिखें, अगर चार्जेस शो करना चाहते हैं तो बेशक कर दें, कोई मसला नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड हम बोलते हैं जो सिरके को बोलते हैं। ठीक है, सिरके तो आप जानते हैं ना, सिरके को, तो सिरके का जो फार्मूला है वो क्या है, CH3COOH, एस्टिक एसिड बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर इसको। ठीक है, तो एस्टिक एसिड का जो है ना हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, यानी कि सारे एटम बताए गए हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एस्टिक एसिड है उसके मॉलिक्यूल के अंदर इतने एटम है। ठीक है,
तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, तो ये फार्मूला है ठीक है, उन्होंने दिया है क्या खुद C3C OH, इसको अगर कॉन्डेंस फॉर्म में लिखें यानी कि इकट्ठा करके लिखें हम इसको ठीक है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है ठीक है, एक तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हम इसको अगर कंडेंस करके लिखें यानी कार्बन इकट्ठे लिखें, हाइड्रोजन इकट्ठे लिखें और ऑक्सीजन इकट्ठे लिखें, तो ये बनता है सी कितने हैं, कार्बन कितने हैं, दो है, तो कार्बन C2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे वन है, तो थ्री और वन कितने हो गए, फोर, फोर हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, टू ऑक्सीजन है, तो इसको हमने कंडेंस फॉर्म में लिख लिया। जब कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इंपीरिकल फार्मूला लिखना आसान हो जाएगा। अब जरा देखें इसमें कितने कार्बन है, टू है, इसमें फोर है, ये फोर डिजिट है और यहाँ पे टू डिजिट है आगे, टोटल एलिमेंट कितने हैं, तीन है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, टू जो है ना वो स्मॉलेस्ट डिजिट है ठीक है ना इस होल मॉलिक्यूल के अंदर, तो टू को जो है ना हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, टू को जब डिवाइड करेंगे तो टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन वन आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, और यहाँ पे फोर के नीचे टू डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, और ऑक्सीजन के जो टू है इस पे टू डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वन ऑक्सीजन आ जाएगा, तो एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पीरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2O। अब देखिए CH2O एम्पीरिकल जो फार्मूला है वो एस्टिकेशन का भी यही है, और हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, एम्पीरिकल फार्मूला। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज कौन सा है और एसिटिक एसिड कौन सा है, अगर आप जस्ट जो है ना वो एम्पीरिकल फार्मूला लिखते हैं CH2O ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ना हो तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एसिटिक एसिड कौन सा है और ग्लूकोज कौन सा है, तो इस वजह से क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर बताता है ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर हकीकत में, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं और किस तरह जुड़े हुए हैं आपस में ठीक है ना, वो हमें जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है हमें ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन, अच्छा आगे इसका एक और पार्ट भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो है C3C OH, यानी कि ये जो एसिटिक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर मास भी बताएं, तो मॉलिक्यूलर मास कोई निकालना इतना मुश्किल नहीं है, तो यहीं से देख लें ठीक है, ये कंडेंस जो फॉर्म है, तो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन के एटम का एटॉमिक मास कितना है, 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, आगे हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक, एक एटम का मास कितना है, 16 AMU, तो 16 को हमने कितना कर दिया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है ना जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू जार 24 प्लस 4 वन जार 4 प्लस 2 16 जार 32, जब इनको तीनों को प्लस करेंगे 24 प्लस 4 प्लस 32 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 AMU ठीक है। अगर आप इंटरनेट से सर्च करें इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH, तो आपको 60 point something मिलेगा ठीक है, तो राउंड ऑफ करके जो है ना हमारे पास कितना मास आ जाता है, 60 AMU, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास जो है ना बहुत यानी कि पॉइंट में होता है, जब सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप जमा करते हैं तो आपका आंसर भी पॉइंट में आता है, तो इसको जो है ना वो डेसिमल खत्म करने के लिए हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसको हम जस्ट जो है ना 60 AMU लिख देते हैं इस तरह। आगे हमारे पास कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ, हमारे पास जो है ना ये अब आयनिक कंपाउंड दिए गए, जैसे ही बात करेंगे ना फार्मूला मैसेज की तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो इनकी जो है ना बात हो रही है यहाँ पे, फार्मूला मैसेज ये शो होगा। सबसे पहला है सोडियम सल्फेट ठीक है, दो सोडियम है और एक सल्फेट, सल्फेट के ऊपर चार्ज आपको पता है -2 होता है ठीक है, और सोडियम के ऊपर, एक सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो 2 क्यों किया, ये आपको मैंने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था हमने, सॉरी केमिकल फार्मूला लिखना हमने जो है ना सीखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि चार्जेस जो है ना वो हम क्या करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। अब सोडियम क्या है, अगर यहाँ से 2 हटा दें एक लम्हे के लिए ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 2 जो है ना इस सोडियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एक्सचेंज मेथड के साथ, तो 2 जो है ना इसके साथ फिर आ जाएगा फार्मूला के अंदर, फाइनल फार्मूला के अंदर ठीक हो गया। तो इस वजह से सोडियम +1 शो करता है, तो यहाँ पे 2 है, 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है +2, तो यहाँ भी चार्ज +2 होगा और यहाँ भी चार्ज -2, तो इस तरह चार्जेस इनके क्या है, बैलेंस है आपस में, तो चार्जेस लिखने का बेशक जो है ना आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सल्फेट के ऊपर -2 है तो जिंक के ऊपर +2 है ठीक हो गया, यहाँ पे कार्बोनेट के ऊपर -2 है तो कॉपर के ऊपर
प्लस टू है। इस तरह ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। ये चार्जेस आप बेशक अगेन कह रहा हूं कि अगर पेपर में शो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम आपको पता है एक सोडियम जो है ना एटम, एक सोडियम के एटम का एटॉमिक मास कितना है 23। तो यहां पे कितने सोडियम है, दो सोडियम है, तो दो सोडियम को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टू सोडियम के मॉलिक्यूल को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लस आगे सल्फेट है, सल्फेट में एक सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर क्या है, एक सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो यहाँ पे एक ही सल्फर है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, एक एटम का 16 है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 2s आर 46 प्लस 32 1s आर 32 प्लस 4 16s आर 64। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो मास आएगा मॉलिक्यूलर मास का सोडियम सल्फेट का, तो वो 142 amu आ जाएगा। अगर जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का एक जिंक के एटम का जो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, वो 65 है, और एक सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, और चार ऑक्सीजन का मास 4 मल्टीप्लाई बाय 16 है, वही बात है। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 165 प्लस 32 1s आर 32 प्लस 4 16s आर 64। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 161 amu आ जाएगा। आगे इस तरह कॉपर कार्बोनेट है, एक कॉपर का जो है ना वो एटॉमिक मास होता है 63.5 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे प्लस एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1। प्लस आगे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये क्या हो जाएगा 63.1 मल्टीप्लाई बाय 5, 63.5 प्लस 12 1s आर 12 प्लस 16 3s आर 48। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल कॉपर कार्बोनेट का जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, 123.5 कार्बन है, कॉमनली कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसके अलावा ये तीन चार मेटल है, जिंक सोडियम कॉपर, इनकी कर लें, बाकी आप जो है ना इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं है, ठीक है। ये पांच छह जो है ना एटम है, इनका एटॉमिक मास आप याद कर लें, तो कोई भी जो है ना कंपाउंड आ जाता है तो मोस्टली जो है ना ये उनमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप इजीली जो है ना हल कर सकेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिकली क्या था, एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर पांच क्वेश्चन थे और हमने पांच क्वेश्चन को डिटेल में देखा। यहां तक हमारा जो है ना वो जो एलिमेंट है, सबसे पहले हमने कहां से शुरू किया था, एलिमेंट से, एटम से शुरू किया था, एटम, उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट के बाद कंपाउंड, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। मॉलिक्यूल बीसी में आता है, मॉलिक्यूल हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा जो है ना उसकी डेफिनेशन वगैरह, तो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी बीच में ही आ जाता है। तो मैं आप लोगों को अब एक जनरल जो है ना वे समझाने लगा हूं, तो आप लोगों को इससे उम्मीद है कि बहुत जल्दी एलिमेंट कंपाउंड और एटम और मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा, ठीक हो गया। फर्स्ट बहुत ही आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ये फर्ज करें वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो ये सारे वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल, इस तरह जो है ना वाटर है सारा, ठीक है। ये यानी कि आप वाटर का एक ड्रॉप ले लेते हैं, उसके अंदर ये क्या है कि सारा एक यानी उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देंगे कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम एक जो है ना ये मॉलिक्यूल उठा लेंगे, एक एक H2O, H2O का एक मॉलिक्यूल, ये H2O एज अ क्या है, कंपाउंड है, ठीक है ना। जब इतने ज्यादा मॉलिक्यूल है तो उनको हम क्या बोलेंगे, H2O एज अ कंपाउंड। तो यहां पे हमने एक जो है ना मॉलिक्यूल अलग कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, H2O का एक मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक हो गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, दो, कौन कौन से, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स,
ठीक हो गया। एलिमेंट के अंदर हमारे पास देखें तो कितने एटम है, टोटल 3 एटम है, 3 एटम है। कौन कौन से 3 एटम है? हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितने एटम है 3, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो इनको क्या बोलेंगे हम, एटम, यानी कि एटम कितने हैं टोटल 3 है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा, कि कंपाउंड एटम से क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, इतनी सी बात है बस। और फार्मूला हम किसका लिखते हैं, फार्मूला हम कंपाउंड का लिखते हैं, क्या फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एटम से क्या बना एलिमेंट, एलिमेंट से क्या बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, और कंपाउंड का हम क्या लिखते हैं, केमिकल फार्मूला लिखते हैं। अब केमिकल फार्मूला की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ये जस्ट जनरल स्केच में बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ये नोट बेशक ना कीजिएगा, ठीक है, तो ना ये पेपर में आना है कोई इस तरह का कोई सीन है, ये जस्ट आप लोग समझने के लिए है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए इस चीज का। तो केमिकल फार्मूला किसका लिखा, कंपाउंड का। केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जस्ट हम क्या शो कर देते हैं, रेशो, यानी कि ये जो एलिमेंट है ना, इन एलिमेंट की रेशो शो करते हैं कंपाउंड के अंदर, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर एक्चुअल एटम बताते हैं, एक्चुअल एटम। एक्चुअल एटम हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, अब 3 एटम है ना, तो 3 एटम्स जो है ना हम यहाँ पे बताएंगे, यानी कि टोटल जितने भी एटम्स है ना एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, वो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में बताएंगे, जबकि रेशियो जो है ना वो हम किसमें बताएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला में बताएंगे। अगर तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब हम देखते हैं ना कंपाउंड, इधर से शो करते हैं, अगर कंपाउंड कोवलेंट है, ठीक है, अगर तो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है, यानी कि उसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं वो कौन से हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कंसेप्ट आएगा कोवलेंट बॉन्ड को बताऊंगा डिटेल में। तो अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो उसका हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं उसका, क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं उसका। अगर हमारे पास कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो उसका हम क्या लिखते हैं, फार्मूला, फार्मूला यूनिट। ठीक हो गया, इस तरह जो है ना ये डिवीजन हुई है। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने जितने भी मेरे लेक्चर देखे हैं पिछले प्रीवियस स्टार्टिंग से, ठीक है ना, पहले चैप्टर की स्टार्टिंग से जितने भी लेक्चर हैं, केमिस्ट्री से हमने शुरू किया, फिर ब्रांचेस पढ़ी, फिर एलिमेंट मिक्सचर और ये चीजें पढ़ी हमने, ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने इतना ही पढ़ा है अभी तक। कंपाउंड, कंपाउंड किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एलिमेंट से, एलिमेंट किससे बनते हैं, एटम से, और एटम किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम, एटम से एलिमेंट, एलिमेंट से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड जो है ना वो उसको क्या शो करते हैं, केमिकल फार्मूला से, हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर तो एम्पिरिकल केमिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला है तो एम्पिरिकल फार्मूला में क्या शो करेंगे, रेशो, और अगर केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल रेशो शो करेंगे। तो कंपाउंड कितनी किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अगर तो कोवलेंट कंपाउंड है तो उसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे और उसका मॉलिक्यूलर मैस लिखेंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मैस होगा, ठीक है। और अगर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड से उनका हम क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट लिखेंगे, यानी कि उनका जो फार्मूला होगा वो किसमें होगा, फार्मूला यूनिट में शो करेंगे, और फार्मूला यूनिट को हम किसमें शो करेंगे, फार्मूला मैस में, यानी अगर उनका मैस फाइंड करना चाहते हैं वो फार्मूला मैस में आएगा। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी क्या हो चुकी हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कोई समझ नहीं आई कहीं से,
तो कमेंट सेक्शन में जो है ना आप क्वेश्चन करें, तो मैं आप लोगों को जो है ना इसका आंसर करूँगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, तो इसी के साथ ही जो है ना इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, स्टडी करें, मेहनत करें, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री कोई इतनी मुश्किल जुबान नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री साइंस की जो है ना एक कह सकते हैं कि ऐसी शाख है जिसमें आप बहुत ईजिली जो है ना चीज़ों को समझ सकते हैं। अब एक जो जुबान होती है ना, उर्दू जुबान हो गई, इंग्लिश जुबान हो गई, उनकी ग्रामर होती है, ठीक है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, बंदे को समझने में बड़ा टाइम लगता है, सही है। लेकिन केमिस्ट्री एक साइंस है, इस साइंस के अंदर कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे चीजों को, आपकी गिर्द सारी चीजें पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, ये सारे केमिकल आपके गिर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने देखे हुए भी हैं। तो ये चीजें आप लोग जब इन पे फोकस करते हैं ना थोड़ा सा, तो ये चीजें खुद बहुत समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, जब चीजों को समझेंगे, अगर एक दफा समझेंगे ये वीडियो दोबारा देख लें, फिर समझेंगे तो तीसरी दफा देख लें, इस तरह बार बार देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ही हम जो है ना अपना लेक्चर एंड करते हैं।